नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। कलेक्टर अभय सिंह खरारी बड़वानी पुलिस की गिरफ्त में। उज्जैन के डिप्टी कलेक्टर अभय सिंह खरारी को दुष्कर्म के मामले में बड़वानी महिला पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे केंद्रीय जेल बड़वानी भेजा गया। खरारी पर बड़वानी में पदस्थ होने के दौरान महिला को शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप है। महिला ने 29 अप्रैल को केस दर्ज कराया था। महिला थाना प्रभारी अलका मेनिया ने बताया कि पीड़िता ने बताया था कि 2016 में खरारी ने बड़वानी में एसडीएम रहते हुए उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद से लगातार शारीरिक व मानसिक रूप से शोषण कर रहा था। शादी नहीं करने पर उसने पीड़िता के रिश्तेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर परेशान किया। पीड़िता की जहां भी शादी की बात होती थी, वहां आरोपी संबंधित लोगों को डराता धमकाता। जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी की रिपोर्ट। मैडम, किसकी गिरफ्तार हुई है, क्या मामला है? पीड़िता ने 29 अप्रैल को एफआईआर दर्ज कराई थी कि उसके साथ वर्ष 2016 में उसके जिस अधिकारी के एसडीएम के अंडर में काम करती थी, अभय सिंह खराड़ी, जो बड़वानी में पदस्थ थे, उन्होंने उसका शारीरिक और मानसिक शोषण करा, जिसकी एफआईआर दर्ज कराई थी पीड़िता ने। उसी की एफआईआर पर से जो वर्तमान में भी डिप्टी कलेक्टर हैं अभय सिंह खराड़ी उज्जैन में, उनको गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। फरार तो नहीं थे, मगर जब एफआईआर हुई और उसी के बाद तत्काल गिरफ्तारी करनी चाहिए, तो 29 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई थी और उसके बाद हम लोग ने उनको ट्रेस करके गिरफ्तार किया। वो भोपाल गए थे अपने शासकीय कार्य से, वहीं से उनको लेकर के आए। अभी जेल वारंट बन गया? हाँ, पूरी लिखा पढ़ी करके और न्यायालय पेश किया गया, जहाँ से उनका जेआर स्वीकृत हुआ, जेल में दाखिल किया गया। धारा 376, धारा 376 2L, 323, 294, 506 IPC। 376 2L लगी है मैडम? हाँ, मतलब एक से अधिक बार बलात्कार, एक से अधिक बार। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर न्यूज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।